दुर्ग पुलिस ने चोरी के मामले में जेवरा सिरसा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत चोरी हुई का खुलासा करते हुए जेठानी के घर से गहनों की ही चोरी पर देवरानी को गिरफ्तार कर लिया। जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत ग्राम समुदा में एक घर के अलमारी में रखे गहने चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं प्रार्थिया हेमलता निषाद ने लिखित रिपोर्ट में घर के अलमारी में रखे गहने जिसमें सोने का गुलबन, सोने की अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र, साथ ही सोने का गेहूं दाने और सोने का एक नग झुमका सहित लगभग 2 तोला चांदी का करधन, चांदी की चाबी, गुच्छा, पायल चोरी होना बताया, जिसकी लगभग अनुमानित कीमत 1,50,000 बताई गई। इसके बाद एक्शन में आई दुर्ग पुलिस ने सीनियर पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी जेवरा सिरसा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अज्ञात चोर की पतासाजी में जुट गई। जिसके बाद पुलिस को विवेचना के दौरान प्रार्थिया के अपने देवरानी निशा निषाद, जो उसके घर के बगल में ही रहती है, उस पर शंका जाहिर की गई। इसके बाद अर्जुंदा से संदेही को बुलाकर पूछताछ की गई, जहाँ आरोपी निशा निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मामले का खुलासा करते हुए दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने मीडिया को बताया कि आरोपी महिला का संबंध देवरानी जेठानी की चोरी से है। इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद निशा निषाद ने अपनी मौसी चमेली को भी कुछ गहने दिए। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने सभी गहनों को आरोपिया निशा निषाद और चमेली से बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जेवरा सिरसा का मामला है, हमारा चौकी है जेवरा सिरसा, उसके अंदर ग्राम समोदा है। वहाँ की हेमलता निषाद ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके घर में चोरी हुई है। चोरी की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित किया और आसपास में पूछताछ की, जिसमें हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लगभग 1.5 लाख की चोरी थी, पूरी सामग्री हमने बरामद कर लिया है। क्या रिश्ता था चोरों का? रिश्तेदारी में वो लोग देवरानी जेठानी के हैं और आपस में रिश्तेदार ही हैं। यानी कितने दिन बाद? चोरी का खुलासा तो कल ही हुआ है, बहुत लेट से इनको पता चला और आके उन्होंने हमको जब रिपोर्ट लिखवाया, कल ही उन्होंने रिपोर्ट लिखवाया और रिपोर्ट लिखवाते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने उसमें गिरफ्तारी कर ली है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।